चलो गाइस, आपका फिर स्वागत है हमारे अकॉर्डिंग ब्लॉग में। तो अभी हम लोग आए हैं इधर दतुन करने के लिए। नहीं, दतुन करने तो मैं आया हूँ, तो ब्रश लेके आया, मैं ब्रश करने आ गया। ये देखो दतुन, और यहाँ पानी पझर रहा है, यहीं पे दतुन करेंगे, थोड़ी देर बाद में नहाने जाएंगे यहीं से। ये देखो पानी यहाँ पे उतर रहा है, ये पानी ऊपर से पत्थर के आ रहा है सब पानी, और धूप तिरछा सेक रहा है सुबह सुबह। अभी 7 बज रहा है लगभग, और अब सेकना शुरू कर दिया है, 7 भी नहीं बजा है। वो देखो उधर से पूरा पझरते पझरते खेत से पानी पझरते पझरते यहाँ आ रहा है, यहाँ पैसे नली बना दिए हैं, यहाँ से फिर आ रहा है सब पानी। तो हम लोग अभी दतुन सब कर लिए हैं, अभी जा रहे हैं वापस। और कोरोन दतुन था इसे अभी फ्रेश लग रहा है मुँह में एकदम मस्त। और ये देखो यहाँ से पानी पझर रहा है, यहाँ से पझरते पझरते इधर से पूरा पझरते पझरते वहाँ पर जा रहा है, वहाँ पे गिर रहा है पानी झरनाए से, छोटा सा झरनाए से। और इधर पूरा जंगल है, बैकग्राउंड देख लो। आज पतन किता समय निकलते हैं, यहाँ से निकलने के बाद सोगड़ा घुसना है, फिर सोगड़ा घुसने के बाद नारायणपुर के लिए निकलना है। यार कितना ठो वीडियो बना लिया, 3 ठो वीडियो बन चुका है, और 1-8 वीडियो बनाऊंगा तो 4 ठो हो जाएगा। 2 दिन में 4 वीडियो, बहुत रास्ता का वीडियो 1-8 बनाऊंगा, और कुछ बहुत ऐसे ब्लॉग बनाऊंगा। थक गया। यहाँ का स्कूल है शासकीय स्कूल, 2 ही बच्चे से क्लास में और 2 ही बच्चे आए हैं आज, टीचर का नाम निशान नहीं है। और वो टीचर घूम रहा है, देखो हेडमास्टर वहाँ घूम रहा है, लाल पगड़ी वाला। यहाँ पर मस्त जगह है स्कूल का, और कुआँ है यहाँ पर, दिखाओ ये देखो पानी भरल है, मधुमक्खी आया है, इसमें फूल लगा है, मर जाएगा मतलब। हाँ फूल लगता है, उसके बाद ये बांस मर जाता है। वो है भाभी लोग का घर, रात में तो डायरेक्ट वहीं पहुँचते थे ना, नहीं पता नहीं कितना टाइम लगता है, 9-10 बजे बोले थे ना। ये क्या का पौधा है, अच्छा इसका ऊपर वाला को पता नहीं कौन सा पौधा है, बताना, फोटो खींच लेता हूँ। अभी तो बच्चा लगे, हाँ तो मेरे को भी भोग रहा था रात में। अरे गुतू हाँ ले, हाँ तू ले, भाग रहा है, डरा रहा है। अनुप्रिया लंगे जैसे छोटे छोटे, चले नहाने। देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ, बाल का सत्यानाश हो गया पूरा, ये देखो दिख रहा हूँ। अब बाल कटिंग कराना पड़ेगा घर जाके, पिछले महीना कटाया था ना, उसके बाद नहीं कटाया हूँ, अभी तो नहाऊंगा, उसके बाद सेट हो जाएगा, लेकिन जंगली सा लगता है। देखो ना बाल ऊपर पूरा फैला हुआ है, उतना तो बढ़िया नहीं लग रहा है। कल का ही ड्रेस पे हूँ, देखो कल का ही ड्रेस में हूँ, अभी नहा धोके शर्ट चेंज करूँगा, पैंट तो नहीं लाया हूँ, इसी का चेंज कर दूंगा, चलो नहाने जाएंगे तो उस समय कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। गीला गीला तेल लगाने से ना अलग अलग जैसे सूख जाता है, ड्राई ड्राई हो जाता है तेल के बिना, ऐसा लगता है ना। नहाने के बाद तुरंत तेल लगाते हैं, आदत है ना, पैर सर्जरी में सूख जाएगा। यहाँ पे नहाए मस्त, तो कुआँ का ठंडा ठंडा पानी, अभी नहा के आ चुके हैं, तैयार हो गए हैं, बैठे हैं अभी, थोड़ा सा 1-8 मूवी देखेंगे, उसके बाद पता नहीं कितना समय निकलते हैं। कितना टाइम हो गया, 8:30 बज रहा है, ऐसा लग रहा है 10-11 बज गया है, 8:30 बज रहा है अभी, और 9-10 बजे से निकले गए यहाँ से,
फिर यहाँ से सोगरा घुसेंगे, सोगरा घुस के फिर जसपुर से बस निकल के बस चढ़ के फिर नारायणपुर जाएंगे डायरेक्ट। चले आ रहे थे हम लोग, पता नहीं कहाँ धीरे धीरे आ रहे होंगे पीछे वाले, हम लोग भी आते हैं लेकिन इतना पता है कि हम लोग भी उधर रहते घाट से देख रहा है। अभी यहाँ से सुगड़ा जाएंगे, सुगड़ा से फिर जसपुर जाएंगे, जसपुर से बस पकड़ेंगे, वहाँ से फिर नारायणपुर सीधा डायरेक्ट वाले मिलेगा, डायरेक्ट वाले सीधा नारायणपुर जाएंगे। अगर किनारे वाला सीट मिलेगा तो खराब भी नहीं फला है, देव नीचे नीचे फला है, मस्त छाव है एक नंबर, ऐसे ही छाव रहता है रोड में, मजा आता है, गर्मी में कोई टेंशन नहीं, लेकिन इतना धूप है सीख रहा है। तो गाइस बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, तौलिया ओढ़ लिए। भी एकदम गरम गरम है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इतना गर्मी लग रहा है कि ना बैग जो टांगा हो ना ये दे पसीना लग रहा है, यहाँ पे पसीना से भींगे, अभी जाके वहाँ पे सुगड़ा में जाके थोड़ा पानी पिएंगे, उसके बाद वहाँ से जसपुर पहुँचाने बोलेंगे, उतना दूर अभी इतना दूर पर कहाँ पैदल चले जाएंगे। ये जो घिरा है ना आश्रम का घिरा है, इसके अंदर बहुत सारा पेड़ पौधा है और इसके अंदर चाय पत्ती उगाया जाता है, इसके अंदर चाय बागान है। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म जा रहा है, और चलो आगे का सीन दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म हीट है। तो अभी हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ से सोगड़ा जाने का रास्ता है, तो हम वहाँ पे जाके आप लोग को आगे का सीन दिखाता हूँ, सिनेमेटिक जैसा गाना चला देता हूँ, सुनो गाना। तो हम पहुंच चुके हैं, सामने वाला घर यशोदा दीदी लोगों का है और ऊपर तरफ भैया लोगों का घर है, तो अभी बाइक छोड़ के जाते हैं वापस जसपुर।
गाइस हम लोग अभी बस में जा रहे हैं, एक गीतांजलि बस मिला जो डायरेक्ट नारायणपुर पहुंचाता था, तो इसमें बैठे हैं हम लोग। भैया किनारे बैठे हैं, मैं बीच में बैठा हूँ। मज़ा आ रहा था बस में सफ़र करते हुए। तो आई होप कि आपको जो मेरा जो टूर यानी कि जो घूमने वाला ब्लॉग था वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।